नमस्कार, फ्रंटियर आईएएस कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रुति और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंडियन आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया पार्ट 1। और ये टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं ये हो रहा है सब्जेक्ट आर्ट एंड कल्चर के तहत। आर्ट एंड कल्चर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में जिससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इसीलिए इस टॉपिक को स्टडी कर पाना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग आर्ट और कल्चर के इस टॉपिक पे आए जो है इंडियन आर्किटेक्चर, ये जानना जरूरी है कि आखिर आर्ट और कल्चर होता क्या है। तो आर्ट क्या है, कला किसे कहते हैं? तो कला जो होती है वो आपका एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक ऐसा जरिया है जिसके तहत कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति अपने जो एक्सप्रेशंस है या अपने इमोशंस को वो व्यक्त करता है। अब व्यक्त हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, किसी रचना के फॉर्म में किसी चीज़ को लिख करके हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो कुछ दिखा करके हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो कुछ बना करके कर सकते हैं। तो किस तरह से हम लोग अपने कला का प्रदर्शन करते हैं उसके हिसाब से कला तीन प्रकार की होती है। विजुअल आर्ट्स यानी जिसे हम लोग देख सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट जिसे हम लोग परफॉर्म करके एक्सप्रेस करते हैं, और आपका हो गया लिटरेरी आर्ट यानी जिसको कि हम लोग लिख करके किताबों या कहानियों के तौर पर, तो उसे हम लोग आर्ट कहते हैं। आर्ट जब भी होता है तो वो एक पर्टिकुलर इंसान से जुड़ा हुआ होता है, जबकि कल्चर यानी कि संस्कृति ये किसी एक व्यक्ति की अकेले की नहीं होती है बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों का एक तरह का एटीट्यूड, उनके जो वैल्यूज होते हैं, उनके जो अलग अलग तरह के कस्टम्स होते हैं, रीतियां होती हैं, रिवाज होते हैं, वो सब मिलाकर के कल्चर बनता है। और इंडिया जैसे देश में जहाँ पर हमारे पास इतने सारे गाने, इतने अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ हैं, आर्ट और कल्चर के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आर्ट और कल्चर के जिस टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और इंडियन आर्किटेक्चर में हम लोग देखेंगे हड़प्पन आर्ट और मॉडर्न आर्ट आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि हम बात करें आर्किटेक्चर के बारे में, ये समझना जरूरी है कि आखिर वास्तुकला और मूर्तिकला इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि वास्तुकला क्या होता है, मूर्तिकला क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। कुछ लोग इसे एक समान ही मान लेते हैं लेकिन ये दोनों दो अलग अलग बातें हैं। वास्तुकला क्या होता है, तो इसका जो संबंध है ये आपके भवनों के निर्माण तथा उनकी रूपरेखा तैयार करने से, यानी कि वास्तुकला में हम लोग बेसिकली एक भवन का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये डिजाइन करने की कोशिश करते हैं कि एक भवन में कहाँ कमरे होंगे, कहाँ पर छत होगी, कहाँ पर दरवाजा होगा। एक भवन के निर्माण करने को की प्रक्रिया जो है वो आपकी वास्तुकला, या एक भवन का जो निर्माण होता है वो आपका वास्तुकला कहलाता है। जबकि मूर्तिकला जो वास्तुकला वो काफी बड़ा होता है। एक भवन आप सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन जो मूर्तिकला है जिसमें कि हम लोग मूर्तियों का निर्माण करते हैं वो काफी छोटी होती है वास्तुकला एक बड़े से बिल्डिंग के मुकाबले, ठीक है। तो एक सबसे बेसिक डिफरेंस ये कि आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला ये आपके भवनों से संबंधित है, जबकि मूर्तिकला ये आपके छोटी थ्री डायमेंशनल आकृतियां होती हैं। वास्तुकला किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें बहुत तरह की सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जैसे हम लोग पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, शीशा का इस्तेमाल करते हैं, और भी अलग अलग तरह की सामग्रियों का वो मिश्रण होती है। जबकि मूर्तिकला में जनरली हम लोग इसकी जो संरचना करते हैं तो किसी एक तरह की ही सामग्री से निर्मित करते हैं। अगर कांस्य है तो कांस्य की मूर्ति हो जाएगी, अगर पत्थर की है तो पत्थर की मूर्ति हो जाएगी। तो यूजुअली जो आपकी मूर्तियां होती हैं वो किसी एक तरह की सामग्री से मिलकर बनी होती है। किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें इंजीनियरिंग की समझ होनी चाहिए, हमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना जरूरी है। अगर मैं इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं जानती और मैं सोचूंगी कि मैं एक बिल्डिंग बना लूंगी तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि वास्तुकला यानी कि भवन के निर्माण के लिए आपको सटीक माप, आपको एक विस्तृत मेजरमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितना भवन की हाइट क्या होनी चाहिए, आपका पिलर्स क्या होगी, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। और इसके लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई आना ये बहुत जरूरी है। जबकि मूर्तिकला में ऐसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर मूर्तिकला यानी मूर्ति बनाने के लिए हमें सृजनात्मक होना होगा, हमें क्रिएटिव होना होगा, हमें एक आर्टिस्ट के तौर पर सोचना होगा, और वहां पर हुनर जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है माप के जरिए। अगर हमें इंजीनियरिंग नहीं भी आती है तब भी, अगर मुझे इंजीनियरिंग नहीं आती है तब भी मैं एक मूर्ति का निर्माण कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि एक भवन का निर्माण कर दूँ तो मैं नहीं कर सकती। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है वास्तुकला और मूर्तिकला में, ठीक है। तो ताजमहल ये किसका उदाहरण है, तो ये वास्तुकला का उदाहरण है क्योंकि ये एक तरह की भवन है,
जबकि मूर्ति कला जैसे कि आपका नटराज हो गया, तो ये आपकी मूर्ति की उदाहरण है। एक कोई बहुत बड़ी सी बिल्डिंग नहीं बल्कि एक छोटी सी आकृति है जिसमें कि आपका सृजनात्मक शीलता आपको देखने को मिलती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वास्तुकला और मूर्तिकला के बारे में आपको बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं भारतीय वास्तुकला के बारे में। तो पहले तो आप ये जानिए कि जो भारतीय वास्तुकला है ये जो है वो प्राचीन हड़प्पा संस्कृति से लेकर के ब्रिटिश हुकूमत तक इसमें बहुत विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक बार वास्तुकला या जो भवन निर्माण करने का जो हमारा तरीका था वो फिक्स हो गया तो वैसा ही रह गया। नहीं, समय के साथ हमारी वास्तुकला में यानी कि हम लोग बिल्डिंग्स के डिजाइन में बहुत परिवर्तन आया। अगर आप हड़प्पन संस्कृति के बिल्डिंग्स को देखें और ब्रिटिश के समय के बिल्डिंग्स को देखें तो उसमें काफी ज्यादा अंतर है। ठीक है, तो हमारी जो ये वास्तुकला है वो आपकी प्राचीन हड़प्पा संस्कृति से लेके अभी तक बहुत ज्यादा विकसित हुई है। और चूंकि विकास हुआ है तो अलग अलग फेज में अलग अलग तरह के वास्तुकला हम लोग को देखने को मिलता है, और इसीलिए हम लोग जो भारतीय वास्तुकला है उसका वर्गीकरण करते हैं, जैसे कि तीन बेसिक डिविजन करते हैं। एक तो आपका प्राचीन भारत हो गया, एक हो गया आपका मध्यकालीन भारत में एक अलग तरह की वास्तुकला थी, फिर आपके जो मॉडर्न आधुनिक भारत है उसमें वास्तुकला की एक अलग तरह की वास्तुकला थी। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम लोग आने वाले दिनों में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत के वास्तुकला के बारे में, और प्राचीन भारत की वास्तुकला को भी पांच भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें? तो हड़प्पन कला, मौर्य कला, मौर्य कला के बाद का जो टाइम है उसकी समय वास्तुकला क्या थी, गुप्ता काल और दक्षिण भारतीय कला। तो ये पांच आर्किटेक्चर के टाइप है जो कि हमें प्राचीन भारत में देखने को मिलते हैं, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हड़प्पन कला और मौर्य कला के बारे में। मध्यकालीन भारत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मध्यकालीन भारत में जो दो तरह की वास्तुकला आपको देखने को मिलती है तो वो एक है दिल्ली सल्तनत के समय की और दूसरी हो गई मुगल कला। वही अगर आधुनिक भारत की अगर हम लोग बात करें तो आधुनिक भारत में भी आपकी दो तरह की वास्तुकला, उसको भी डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपका इंडो गोथिक कला और दूसरा हो गया आपका नियो रोमन कला। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं एंशिएंट भारत के यानी कि प्राचीन भारत की कला यानी कि हड़प्पन आर्ट और आर्किटेक्चर से। ठीक है, तो हड़प्पन वास्तुशिल्प और कला के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन सभ्यता जिसके वास्तुकला के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ये कैसी सभ्यता थी, कहाँ पे उसकी उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले ये आप जानिए कि ये जो सभ्यता है ये 3300 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के तट पर उभरी और ये पश्चिमी भारत के एक बड़े हिस्सों में ये फैली। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि कब से इसकी मतलब सभ्यता की शुरुआत हुई, तो 3300 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई और कहाँ पे ये सभ्यता उभरी, तो जो सिंधु नदी के तट पर इस सभ्यता का विकास हुआ। और भारत की अगर दिशा के हिसाब से बात करें तो पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में ये सभ्यता फैली है, और इसीलिए चूंकि ये सिंधु नदी के तट पर उभरी है इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और ये सभ्यता जो है वो अपनी कलात्मक कौशल के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, न सिर्फ कलात्मक कौशल के जरिए बल्कि बहुत जगह पे जो हम लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर खुदाई करते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत अलग अलग तरह की मूर्तियां हमें मिली है, मुद्राएं मिली है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, अलग अलग तरह के गहने मिले हैं। तो न सिर्फ अपनी कलात्मक कौशल बल्कि इन मूर्तियों मुद्राओं के लिए भी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ही दूसरा नाम है आपका हड़प्पन सभ्यता। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसे हड़प्पन सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस साइट का यानी जिस स्थल का सबसे पहला खोज किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में वो थी आपकी हड़प्पा। तो इसका जो सबसे मेजर साइट, जो सबसे पहला साइट जिसे हम लोगों ने पता लगाया था जिसके बारे में, वो हड़प्पा था, इसीलिए उसके नाम पर इसका नाम रख दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता। और ये जो हड़प्पन सभ्यता है इसके दो सबसे प्रमुख स्थल अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सबसे प्रमुख स्थल दो कौन से हैं तो वो है आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और इन दोनों को ही इनके शहरी नगर योजना के लिए जाना जाता है। ये जो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी शहरी नगर योजना की एक बेहतरीन उदाहरण है ये दोनों ही स्थल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। एक बार हम लोग मैप से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कहाँ है, तो मैंने आपको बताया कि ये इंडिया के जो
वेस्टर्न पार्ट है इसकी तरफ आपका ये फैला हुआ है ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये जो सिंधु नदी आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, इसी के चारों तरफ ये बसा हुआ है। इसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण साइट की उदाहरण है हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, लोथल, इसी का एक विस्तृत रूप से यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पे इंदस और इसकी ट्रिब्यूटरी जिसके आसपास ये पूरे अलग अलग इंपॉर्टेंट साइट्स इंदस वैली सिविलाइजेशन के यहाँ पर बसे। तो ये एक आपको बेसिक आइडिया पता चल गया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या था। लेकिन चूंकि हम लोग आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे कि वहां पे किस तरह के लोग क्या करते थे। जो आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम लोग उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, और हड़प्पन जो सभ्यता थी उसके हम लोग महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानेंगे, और वहां से हम लोग को कौन कौन से पुरातत्व जो निष्कर्ष मिले हैं, जो हम लोग को चीजें मिली है वहां से, हम उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर चीज जो है वो हमें किस जगह पे देखने को मिलती है, इसलिए इसके बारे में पता होना जरूरी है। तो जो सबसे पहला साइट जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि वहां पे कौन कौन सी चीजें मिली हैं, तो वो है हड़प्पा। और अगर प्रेजेंट डे में अगर हम लोग बात करें तो अभी ये हड़प्पा कहाँ मौजूद है, तो वर्तमान जो पाकिस्तान है वहां पर हड़प्पा मौजूद है। और जो सबसे प्रोमिनेंट चीज जो हमें हड़प्पा में देखने को मिलती है कि वहां पर बड़े चबूतरे के साथ आपके 6 अंगारों की 2 पंक्तियां हैं। सबसे पहले ये जाने कि अंगार होते क्या है। तो अंगार जो है, यानी जिन्हें हम लोग इंग्लिश में ग्रेनरी के नाम से जानते हैं, ये वैसे जगह होते थे जहां पर अन्न का भंडारण किया जाता था, जहां पर अन्न को स्टोर किया जाता था। ठीक है, तो हड़प्पा में हम लोग को इस तरह की, आप ये देख सकते हैं कि ये फिगर है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 6-6 की पंक्ति में 2 आपके अंगार थे। ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे ये अंगार हुआ करते थे और इसी में अनों को स्टोर किया जाता था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो कि हड़प्पा में देखने को मिलती है। इसके अलावा हड़प्पा से हमें पासा मिला है, ताम्र पैमाना मिला है, फिर आईना भी वहां से मिला है, लकड़ी की ओखली में हमें गेहूं और जौ के भी वहां से जो पुरातत्व तत्व है वो वहां पे मिले हैं। इसके अलावा वहां पे लिंग मिली है। जो लिंग क्या है, वो किसका प्रतीक है, तो ये पुरुष रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। इसके अलावा हमें योनि की भी मूर्ति मिली है। योनि क्या होता है, तो ये महिला रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। तो लिंग की मूर्ति, योनि की मूर्ति हमें कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है हड़प्पा में। इसके अलावा हमें एक ऐसी कांस्य की धातु की मूर्ति भी मिली है जिसमें की हिरण का पीछा करते हुए एक कुत्ते को दर्शाया गया है। ये सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग करके या फिर आपको पूछ दिया जाएगा कि सही है कि नहीं, कौन सा चीज कहाँ पे पाया जाता है, इसलिए इनके बारे में पता होना आपको जरूरी है। ठीक है, इन सब के अलावा हम लोग हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है वहां से हमें क्या मिलती है, तो हमें पत्थर की नाचती हुई एक नग्न लड़की मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा जो हड़प्पा है वहां से खुदाई में हमें लाल बलुआ पत्थर से बने पुरुष के घर की भी प्राप्ति हुई है। ये आपका देख सकते हैं कि रेड जो सैंडस्टोन होता है उससे ये मेल टॉर्सो बना हुआ है, पुरुष का घर है। तो ये एक बहुत ही अद्भुत नमूना है और इसे बहुत ही ज्यादा इसका महत्व है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो है ये आपका हड़प्पा से मिलता है। तो हड़प्पा से क्या क्या मिलता है हम लोगों ने इसके बारे में बात की। अब हम लोग बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, और ये मोहनजोदड़ो भी कहाँ है, तो ये भी अभी पाकिस्तान में मौजूद है, और वहां पर हमें एक विशाल स्नानगार देखने को मिलता है। और ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट जगह है, जो बहुत ही प्रोमिनेंट फाइंडिंग है मोहनजोदड़ो की, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए। इसके अलावा वहां पर एक विशाल अनाज का भंडार देखने को मिला है। वहां पर देखा गया है कि अंतिम संस्कार के बाद समाधि जैसी भी चीजें हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिली है। एक दाढ़ी वाले पुजारी की भी मूर्ति, ये आप देख सकते हैं कि ये जो दाढ़ी वाले यहाँ पे देख सकते दाढ़ी वाले और इस तरह का शॉल लपेटे हुए हैं और आप इस तरह की मुद्रा में है, तो इन्हें पुजारी माना गया है। और दाढ़ी वाले जो पुजारी की मूर्ति है ये भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो के बाद अब हम लोग बात करते हैं धोलावीरा की। ये धोलावीरा भी कहाँ मौजूद है, तो अभी जो हमारा वर्तमान गुजरात है वहां पर धोलावीरा मौजूद है, और वहां पर हमें एक बड़ा जल कुंड मिला है। इसके अलावा उनकी जो दल दोहन की जो प्रणाली है वो भी काफी अनूठी थी, उसके भी साक्ष्य हमें धोलावीरा गुजरात में देखने को मिलते हैं। मैदान, बांध तथा तटबंध, ये सारी चीजें हमें धोलावीरा में देखने को मिलती है। और एक बड़ा सा विज्ञापन बोर्ड की तरह एक 10 बड़े आकार के चिन्हों का शिलालेख भी हमें धोलावीरा में देखने को मिलता है।
मैं बार बार कह रही हूँ स्टूडेंट्स, ये जो फाइंडिंग्स हमें अलग अलग जगह पे मिली है, आप इसे बार बार जरूर पढ़िएगा, इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सारी जो फाइंडिंग्स मैं बता रही हूँ ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ढोला बीरमा इजरा में हमें ये सारी चीजें प्राप्त हुई है। अगर लोथल की अगर हम लोग बात करें जो कि गुजरात में अभी स्थित है, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के मैनचेस्टर के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, तो लोथल गुजरात को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहते हैं। और वहां से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो वहां से हमें डाक, फिर आपकी दो कब्रगाह प्राप्त हुए। दो कब्रगाह कहने का मतलब डबल ब्यूरियल, यहाँ पे क्या होता था कि एक ही कब्रगाह में दो लोगों को या फिर एक आदमी को उसके कुत्ते या इसके साथ मतलब दफन कर दिया जाता था। ये जो कब्रगाह है डबल ब्यूरियल का सिस्टम, ये कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि वहां के लोग जन्म जो है वो ये उम्मीद करते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद भी एक नया जन्म होता होगा, और इसीलिए इस तरह का डबल ब्यूरियल का सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा लोथल से हमें चावल की भूसी भी प्राप्त हुई है, ये इंडिकेट करता है कि चावल भी वो लोग उगाते होंगे। अग्नि वेदियां, चित्रित जार, आधुनिक शतरंज, इन सभी की प्राप्ति भी हमें लोथल से हुई है। हमें घोड़ों और जो भेड़ है उनके टेराकोटा चित्र भी प्राप्त हुए हैं लोथल से। और इसके अलावा 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री के कोण को मापने वाले यंत्रों को भी खुदाई में निकाला गया है। कहाँ पर, तो लोथल में। ठीक है, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है किसके, तो लोथल गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता में हमें क्या क्या मिला है इसके बारे में मैंने बात की। अब कुछ और जो प्रोमिनेंट जगह है, साइट्स है, उसके बारे में भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। तो कुछ दूसरे प्रोमिनेंट साइट में क्या शामिल है, तो राखी गाड़ी हरियाणा में, ये भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। देन फिर आपका रोपर पंजाब, रोपर पंजाब में क्या देखने को मिला है कि कुत्ते को मानव के साथ अंडाकार गड्ढे वाले कब्रगाह में वहां पर दफन किया गया है। इस तरह के जो साक्ष्य है ये हमें रोपर पंजाब में देखने को मिलते हैं। वहीं बलाथल और कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, तो वहां पर हमें चूड़ी कारखाना, खिलौना गाड़ियां, ऊंट की हड्डियां, सजाई गई ईंटें, नगर दुर्ग एवं निचला नगर, इस तरह के जो साक्ष्य है वो हमें बालाथल और कालीबंगा में देखने को मिलते हैं। जबकि सुरकोटाडा जो कि गुजरात में भी स्थित है, वहां पर हमें घोड़े की जो हड्डियां हैं उसका पहला वास्तविक अवशेष हमें वहां पर मिलता है। वहां देख करके ये जो अवशेष हमें मिलता है उससे समझ में आता है कि उस समय घोड़े होते थे और लोग घोड़े का पालन करते हैं समथिंग। ठीक है, तो घोड़े की हड्डियों का जो पहला वास्तविक अवशेष है वो हमें सुरकोटोडा गुजरात में जो भी है वहां पर देखने को मिलता है। बनवाली जो कि अभी के जो हरियाणा है वहां पर स्थित है, तो वहां से हमें खिलौनों वाला हल मिला है, जौ का अनाज हमें वहां से मिला है, अंडाकार समाधान मिला है। वही हमें फिर दीप्तिमान सड़कों वाला एकमात्र शहर जो है वो हमें बनवाली में ही मिला है। और लास्ट हम लोग बात करेंगे आलमगीरपुर की जो कि अभी के उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पर हमें गर्त पर कपड़े के छाप देखने को मिले। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के, और वहां से जो मिलने वाली चीजें जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की। ये जो जितनी भी मैंने चीजें डिस्कस की ये सारी के सारी काफी महत्वपूर्ण थी, और इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। और अब हम लोग बात करेंगे, मेन मुद्दे पे आएंगे, और हम लोग बात करेंगे हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी वास्तुकला के बारे में। और हड़प्पा सभ्यता जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है वो है नगर नियोजन। मतलब अलग अलग चीजों का अलग अलग टाइम पे क्लाइमेक्स आता है, सर्वश्रेष्ठ देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के समय का जो नगर नियोजन था वो सर्वश्रेष्ठ था, और हड़प्पा सभ्यता में जो नगर नियोजन था उसे बहुत ही बेहतरीन माना जाता था। वहां पे क्या होते थे ना कि जो नगर है वो आपके रेक्टेंगुलर ग्रीड के स्वरूप में रखे जाते थे, और जितने भी आपकी सड़कें थी वो आपके उत्तर से दक्षिण यानी इस डायरेक्शन में होती थी, और आपके पूर्व से पश्चिम इस डायरेक्शन में होती थी। और ये जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, और इसी में रेक्टेंगुलर ग्रीड के पैटर्न पे आपके जो घर थे वो आपके मौजूद थे। ठीक है, फिर आपके जो बड़ी शहर थे, तो आपके जो मतलब बड़ी सड़कें थी वो क्या करती थी, तो वो जो शहर था हमारा उसको कुछ खंडों में विभाजित करती, जबकि आपकी जो छोटी छोटी गलियां थी उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता था, तो उनका इस्तेमाल किया जाता था कि आपके जो छोटे घर या फिर जो अपार्टमेंट्स होते थे उनको मुख्य शहर सड़क से जोड़ने के लिए।
ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि नगर नियोजन में क्या था कि आपके जो नगर थे वो आपके रेक्टेंगुलर ग्रिड के रूप में उसे बिछाए गए थे, बनाए गए थे। आपके जो सड़क थे वो सारे उत्तर पश्चिम और पूर्व दक्षिण दिशा में जाते थे और वो एक दूसरे को काटते थे। जो बड़ी बड़ी सड़कें होती थी वो शहर को अलग अलग खंडों में विभाजित करने का काम करती थी, जबकि जो छोटी गलियां थी वो आपके निजी घरों एवं शालाओं को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम करती थी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि किस तरह की इमारतें पाई जाती थी, तो बेसिकली तीन तरह की इमारतें हमें हरप्पा सिविलाइजेशन में देखने को मिलती थी। तो क्या निवास गृह, निवास गृह यानी कि वो घर जहाँ पर लोग रहते थे। फिर कुछ तरह के सार्वजनिक भवन थे, जैसे कि आपका ग्रैनरी हो गया और भी इस तरह के बहुत सारे सार्वजनिक भवन थे जिसका सभी लोग इस्तेमाल करते थे। फिर आपके सार्वजनिक स्नानागार, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, सार्वजनिक स्नानागार भी बहुत जगह पे हरप्पन सभ्यता में देखने को मिलते हैं और एक सार्वजनिक स्नानागार का उदाहरण भी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सार्वजनिक स्नानागार होते थे उसके साइड साइड में आपकी गैलरीज और कमरे बने होते थे ताकि जो महिलाएं हैं वो उसमें जाकर के जब स्नान करने के बाद वो अपने कपड़े वगैरह आसानी से बदल पाए। अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करें कि आखिर किस तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था उनके निर्माण के लिए, तो जो मिट्टी की पकाई गई जो ईंटें थी उनका इस्तेमाल निर्माण के लिए किया जाता था। और अच्छी तरह से जो पकी हुई ईंटें होती थी उसे क्या किया जाता था, उसे कई परतों में रखा जाता था और उसके बाद उन्हें गाड़े की मदद से जोड़ा जाता था। ठीक है, तो किस तरह की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था निर्माण के लिए, तो मिट्टी की जो पकाई गई ईंटें थी उनका इस्तेमाल किया जाता था और फिर ये जो पकी हुई ईंटें थी इनको कई परत पर रख करके उसे गाड़े से जोड़ा जाता था। ठीक है, तो ये एक मतलब तरीका होता था भवनों का या फिर अलग अलग तरह की चीजों का निर्माण करने के लिए। अगर हम लोग शहर के बारे में बात करें तो शहर को दो भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया गया था। किसमें किसमें, तो ऊपरी शहर और निचले शहर में। आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ना ऊपर वाला पोर्शन जो थोड़ा उठा हुआ है ये आपका ऊपरी शहर है और ये जो नीचे है ये आपका क्या है, ये आपका निचला शहर है। जो आपका ऊपरी शहर होता था ना वो थोड़ा सा एलिवेटेड होता था और उसका दुर्गीकरण किया जाता था। ठीक है, और जो नीचे वाला शहर था वो इस प्रकार का। तो जो पश्चिम हिस्से हैं वहाँ पे जो बड़े भवन आकार के जो भवन होते थे, जैसे कि आपका अनाज भंडार और कुछ ऐसे भवन जो कि आपके राजा या अमीरों के होते थे, वो सारे के सारे आपके ऊपरी शहर में पाए जाते थे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो शहर थे वो दो भागों में विभाजित थे, एक था आपका ऊपरी शहर और दूसरा था आपका निचला शहर। तो ऊपरी शहर में जो आपके बड़े बड़े आकार के भवन होते थे, अनाज भंडार होता था और भी वैसे लोग जो काफी अमीर होते थे वो सारे लोग वहां पे रहते थे। ठीक है, जबकि आपका जो निचला शहर होता था, शहर मतलब जो लोअर सिटी था, उसमें क्या होता था कि उसमें सिर्फ एक कमरे के भवन होते थे और उसमें बेसिकली जो श्रमिक वर्ग के लोग होते थे वो रहते थे, वो क्वार्टर के रूप में उस जो एक भवन कमरे वाले जो भवन है ना उसमें रिहा करते थे। कुछ कुछ ऐसे भवन थे जहां पर सीढ़ियां भी पाई गई थी और ये सीढ़ियां इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि जरूर जो कुछ भवन जो ऐसे होंगे वो दो मंजिला होंगे, क्योंकि सीढ़ी की जरूरत तो हमें तभी पड़ती है ना जब हमें एक मतलब जो आपका रूम है या एक फ्लोर से हमें दूसरे फ्लोर पे जाना होता है। तो चूंकि एक सीढ़ी देखने को मिलती है ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि कुछ बिल्डिंग्स आपकी द्विमंजिला भी हो सकती थी। ठीक है, तो और मैंने आपको बता दिया कि ऊपर जो ऊपरी शहर थे उसमें अमीर लोग रहते थे, राजा लोग रहते थे, जबकि निचले शहर में जो आपके श्रमिक वर्ग या जो थोड़े कम अमीर लोग थे तो वो लोग रहते थे। आपके एक सिंगल भवन भी हो सकते थे और द्विमंजिला भवन भी हो सकते थे। तो इसका ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता था कि वहां पर वर्ग का विभाजन था हरप्पन सिविलाइजेशन में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि अन्न के भंडारण के लिए भी हमें पब्लिक जो देखने को मिलता था, तो अन्न भंडार अनाज के भंडारण के लिए भी इन लोगों ने चीजें क्रिएट कर रखी थी और ये जो अनाज के भंडारण के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा सा ग्रैनरी बना के रखा था, बहुत ही अच्छा अनाज गृहों का निर्माण किया था और ताकि वो कीटों से बचे रहे इसके लिए क्या किया जाता था, तो उसे उठे हुए चबूतरे पर बनाया जाता था इन अनाज गृहों को और उसमें रणनीतिक रूप से मतलब किस तरह से उसमें वायु नलिकाएं दी गई थी ताकि आपका जो अनाज है उसका प्रॉपरली उसको स्टोर करके रखा जा सके, उसमें कीट मकौड़े जो है उसको खाए नहीं, इन सभी का ध्यान में रख करके और वो लोग ग्रैनरी यानी कि अनाज गृहों का निर्माण करते थे। तो आप देख सकते हैं कि उनकी प्लानिंग और चीजों को किस प्रकार बनाना है, ये सारी चीजें हड़प्पा सभ्यता को लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आती थी।
अब हम लोग बात करते हैं सार्वजनिक स्नानागारों की। तो मैंने आपको बताया कि तीन तरह के बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में, जिसमें कि एक शामिल है वो है सार्वजनिक स्नानागार। और सार्वजनिक स्नानागार जो है वो आपका हड़प्पा सभ्यता में मौजूद है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति में रिचुअलिस्टिक क्लींजिंग को यानी धार्मिक प्रक्षालन के महत्व को ये रेखांकित करता है कि लोग रिचुअल्स के तौर पर सार्वजनिक स्नान वगैरह किया करते थे इसी सार्वजनिक स्नानागार में। और सबसे खास बात इस सार्वजनिक स्नानागारों की ये थी कि ये जो स्नानागार थे इनके आसपास में ना आप देख सकते हो कि कमरे और दीर्घ बने होते थे ताकि महिलाएं इसमें जाकर के अपना आराम से कपड़े वगैरह बदल सके। और जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सार्वजनिक स्नानागार का वो है आपका ग्रेट बाथ, जिसे यहाँ पर दिखाया गया है। और ये ग्रेट बाथ हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का यानी कि हड़प्पा सभ्यता का। अब हम लोग बात करेंगे उन्नत जल निकासी प्रणाली की। ठीक है, तो जो जल निकास की प्रणाली थी वो आपकी बहुत ही बेहतरीन थी। कहाँ पे? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान आपके हर एक घर में छोटी छोटी नालियां निकाली गई थी। और ये जो छोटी छोटी नालियां थी वो फिर कहाँ थी, तो वो मुख्य सड़क के किनारे बहुत जो बड़े बड़े नाले थे ना उससे जुड़ी हुई, यानी हर एक शहर था उसमें आपकी छोटी छोटी नालियां निकाली गई थी। और ये जो छोटी छोटी नालियां थी फिर आपके मुख्य सड़क के किनारे जो आपके बड़े बड़े नाले थे ना उसमें जाकर वो बह जाती थी। और नियमित रूप से इन नालों की साफ सफाई हो सके, इनका रख रखाव किया जा सके, इसीलिए इन नालियों को पूरी तरह से ढका नहीं गया था बल्कि इसको ढीला ढका गया था ताकि टाइम टू टाइम हम इसको हटा करके इसकी अच्छी तरीके से सफाई कर सके। इसके अलावा आपके जो सीवेज थे उसको यानी जो गंदगी या जो सीवेज थे उसका सही तरीके से निपटारण हो सके, इसके लिए इन्होंने कूड़े के गड्ढे का भी निर्माण किया था एक रेगुलर इंटरवल पे यानी कि एक नियमित अंतराल पर, और उसको भी टाइम टू टाइम सफाई वगैरह ये लोग किया करते थे। तो आप देख सकते थे कि उस समय के लोगों की जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी। न सिर्फ उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्नानागार और अच्छे तरीके से उन्होंने चीजों को बनाया बल्कि उनकी जो निकासी प्रणाली थी वो भी काफी शानदार थी। तो ये हम लोगों ने बात की किसकी, तो हम लोगों ने बात की वहां की वास्तुकला की, वहां के टाउन प्लानिंग की। और अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियों के बारे में। और हड़प्पा सभ्यता में जो स्कल्पचर्स पाए जाते हैं बेसिकली, तो वो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। हमें क्या क्या मिलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता से हमें मुहरे मिलती हैं, हमें कांस्य की आकृतियां मिलती हैं, हमें मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, हमें बहुत तरह के जेवर मिलते हैं। इस तरह की चीजें हमें हड़प्पन सभ्यता से देखने को मिलती हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करने वाले मोहरों की। तो मोहरों के साथ खासियत यह है कि ये जो मोहरे हैं वो सिर्फ किसी एक ही रंग या एक ही आकृति के नहीं होते, किसी एक ही पदार्थ से मिलके नहीं बने होते, बल्कि ये अलग अलग आकृति में भी और अलग अलग आकार में भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे आपके चौकोर होते हैं, कुछ आपके त्रिकोणीय होते हैं, कुछ आपके आयातकार होते हैं, और कुछ आपके जो मोहरे होती हैं वो गोलाकार भी होती हैं। यानी एक तरह की आपको नहीं देखने को मिलती, अधिकतर जरूर चौकोर के आकार की होती हैं, पर अलग अलग तरह की आपके मोहरे देखने को मिलती हैं। और ये किससे बनी होती हैं ये मोहरे, तो ये मोहरे भी अलग अलग तरह के मटेरियल से बनी होती हैं। शैल खटी यानी कि स्टेटाइट जो है वो एक चिकनी तरह का पत्थर होता है, तो मुख्यतः उससे बनी होती हैं। लेकिन इसके अलावा आपके जो सुलेमानी पत्थर होते हैं, वेल्लोर, आपका तांबा, टेराकोटा, सोना एवं हाथी दांत, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसका भी इस्तेमाल मोहरों के निर्माण के लिए किया जाता है। और सबसे खास बात इन मोहरों की ये होती है कि इन मोहरों पे न सिर्फ बहुत तरह की जो चीजें हैं, बहुत सारे तरह के जानवर ये सब चीजें बनी होती है, बल्कि इन पे कुछ लिखा हुआ भी होता है। और ये जो शिलालेख इस पे लिखा होता है, इसकी जो लिपि होती है वो आपकी चित्रलिपि होती है, यानी कि पिक्चर्स के फॉर्म में इस पे चीजें लिखी होती है। और जो चीजें लिखी होती है वो आपकी दाएं से बाएं की तरफ होती है। यूजुअली अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग बाएं से स्टार्ट करते हैं और दाएं की तरफ मूव करते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी चीजें लिखी गई हैं वो सब के सब दाएं से बाएं यानी यहां से शुरू करते हैं और इधर की तरफ मूव करते हैं। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरूर याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो शिलालेख होते हैं वो आपकी दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती हैं। अब इन जो सील्स आपको जो मोहरे देखने को मिलती हैं, इन मोहरों पर
कई तरह के जानवरों का रूपांकन किया जाता है और ज्यादातर जो जानवर जिनका रूपांकन इन मोहरों पर किया जाता है उसमें कौन कौन से जानवर शामिल है, तो आपके घोड़े हो गए, कुबड़ वाले बैल हो गए, गेंडे हो गए, बाघ हो गया, हाथी, भैंस, जंगली सांड, बकरी, ये सारे जो है वो आपके इस तरह के जानवर जो है इन सभी को मोहरों पर इनका रूपांकन किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे के सारे जो है ना वो आपके मोहरों के उदाहरण है। आप सब में देख सकते हैं कि आपके अलग अलग जानवरों को यहाँ पर हाथी को दिखाया गया है, यहाँ पर किसी को दिखाया गया है, यहाँ पे एक यूनिकॉर्न को दिखाया गया, तो बहुत तरह के जो आपके जानवर है उनको इन मोहरों पर दिखाने की कोशिश की जाती है। और इन मोहरों पर क्या होता है, तो एक तरफ तो आपके जानवर हो सकते हैं और दूसरी तरफ फिर आपका कुछ लिखा हुआ हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बीच में जानवर ऊपर नीचे कुछ लिखा हुआ है, या फिर आपका बीच में जानवर यहाँ पर भी लिखा एक साइड और फिर तीसरी साइड पर लिखा रहता है। तो मोहरे में कुछ इसी तरह का होता है, सिर्फ जानवर की भी तस्वीर बनी होती है और शिलालेख भी उसके ऊपर लिखा रहता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात की किसकी, हम लोगों ने बात की मोहरों की। कुछ और एक पॉइंट हम लोग देखते हैं मोहरों के बारे में। तो मोहरों का अब सवाल उठता है कि मोहरे इतने देखने को मिलती हैं, आखिर हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो मोहरों का इस्तेमाल क्यों करते थे? तो जो मोहरों का इस्तेमाल था वो मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो आपके ट्रेडर्स होते थे, यानी वो व्यापार ज्यादा करते थे, तो व्यापार करने के लिए उन्हें किसी चीज की जरूरत होती थी तो वो इन्हीं मोहरों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा ताकि हम लोग मतलब पहचान सके कि ये पर्टिकुलर आदमी इस जगह से है या नहीं है, तो इसके लिए भी पहचान के तौर पर भी हम लोग इन मोहरों का इस्तेमाल करते थे और लोग इन्हें तावीज के रूप में भी इसे पहना करते थे। न सिर्फ व्यापारिक उद्देश्यों और ताबीज के तौर पर, बल्कि कुछ आपके मोहरे ऐसी होती थी ना जिसमें कि गणितीय आकृतियां भी पाई जाती हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो मोहरे हैं इनका इस्तेमाल हम लोग शैक्षणिक उद्देश्यों यानी कि पढ़ाई लिखाई के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी इनका उपयोग किया जाता होगा। और दो जो सबसे बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है मोहरों के, वो है आपका पशुपति मोहर और आपका गेंडा मोहर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पशुपति एक आदमी जैसी आकृति है जो कि यौगिक मुद्रा में है, और जानवर हाथी बाघ, फिर यहाँ पे आपके जो हिरन है वो इसकी तरफ घेरे हुए हैं, और इसी मोहर को हम लोग कहते हैं ये पशुपति मोहर है। फिर यहाँ पे आपका एक सिंग वाले गेंडे को यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ पे इंस्क्रिप्शन की गई है। ये जो मोहर है ये भी काफी ज्यादा फेमस है और हड़प्पा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोहर है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली हड़प्पा सभ्यता की मोहरों के बारे में, और अब हम लोग बात करेंगे कांस्य मूर्तियों के बारे में। तो कांस्य मूर्तियां हड़प्पा के लोग किस प्रकार बनाते थे, तो जिस मेथड के जरिए, जिस प्रक्रिया के जरिए वो कांस्य मूर्तियों का निर्माण करते थे उन्हें हम कहते हैं द्रवी मोम विधि। ठीक है, तो द्रवी मोम विधि की मदद से कांस्य मूर्तियों को बनाया जाता था। इस विधि में होता क्या था, तो इस विधि में जो मोम की मूर्तियां थी पहले उनको बना लेते थे, जो भी मूर्ति उनको जिस भी शेप में बनानी होती थी पहले उसे मोम से बना लेते थे, फिर उसके ऊपर एक चिकनी मिट्टी का लेप लगाया जाता था और उसे कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। एक बार जब वो सूख जाता था फिर क्या किया जाता था कि उस चिकनी मिट्टी जो लेपित जो मूर्ति है उसको फिर गर्म किया जाता था, उसको अच्छे से पकाया जाता था, और पकाने के कारण क्या होता है कि अंदर का जो मोम है वो आपका पिघल जाता है। जब ये मोम पिघल जाता है ना तो एक छोटा सा छेद उसमें किया जाता था जानबूझकर, और उस छेद की मदद से जितने भी मोम थे ना वो सारे के सारे बाहर निकल जाते थे। और अब आप देख सकते हैं कि आपका एक खोखला ढांचा तैयार हो गया, और इस खोखले ढांचे में जिस भी मेटल की आपको मूर्ति बनानी है, जिस भी धातु को आपको इस्तेमाल करके आपको मूर्ति बनानी है, उस धातु को पिघला करके उसमें उसी छेद की मदद से डाल दिया जाता था। एक बार ठंडा हो जाता था तो फिर वो अपने आप धातु, एक बार जब ठंडा हो गया तो वो ठोस हो जाता था, एक बार जब वो धातु ठंडा होकर ठोस हो जाए देन फिर जो मिट्टी का लेप हम लोगों ने लगाया है उसको हटा दिया जाता था। एक बार मिट्टी का लेप अगर हट गया तो मोम की मूर्ति जिस प्रकार बनी थी बिल्कुल उसी प्रकार की आपकी वो जो धातु है उसकी भी मूर्ति बन जाती है। और इसी पूरे प्रक्रिया को, इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, द्रवी मोम विधि। और इस विधि से जो बनाई गई है आपकी कांस्य मूर्ति, इसमें एक बहुत ही फेमस उदाहरण है निर्मित नाचती हुई लड़की, जो कि यहाँ पे देखने को आपको मिलती है, जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्य की मूर्ति है। कांस्य की मूर्तियों के बाद अब हम लोग बात करेंगे टेराकोटा की। आपने अक्सर नाम सुना होगा, अगर आपने म्यूजियम वगैरह गए होंगे तो टेराकोटा के बारे में जिक्र आपने सुना होगा, लेकिन सवाल उठता है कि ये टेराकोटा होता क्या है। तो टेराकोटा जो है वो ऐसी मूर्तियां होती हैं जिसके बनाने के लिए हम लोग आग के द्वारा पकी हुई चीनी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं।
अगर आप चीनी मिट्टी की मदद से कोई मूर्ति बना रहे हैं और उसको फिर आग के द्वारा पका रहे हैं, तब आपकी जो मूर्तियां बनकर के मिलती हैं उसी मूर्ति को हम लोग टेराकोटा कहते हैं। और इन मूर्तियों का निर्माण करने के लिए हम लोग पिंचिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं। पिंचिंग विधि का मतलब क्या होता है कि हम लोग हाथ से अपना अलग अलग शेप देते थे और इसी हाथ से अलग अलग शेप देने की जो प्रक्रिया है, उस तरीके से जो हम लोग मूर्तियां बनाते हैं, हम लोग कहते हैं कि वो पिंचिंग विधि से निर्मित मूर्तियां होती हैं। और टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं वो कहाँ हमें प्राप्त होती हैं, तो गुजरात में और कालीबंगा में इसे हम लोग प्राप्त करते हैं। फिर टेराकोटा का इस्तेमाल न सिर्फ मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है बल्कि खिलौनों बनाने के लिए भी किया जाता है। अलग तरह के पशुओं की मूर्तियां बनाने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे फेमस टेराकोटा की मूर्ति है उसे हम लोग मातृ देवी के नाम से जानते हैं या उर्वरता की देवी के नाम से भी जानते हैं। और ये कुछ इस प्रकार की रहती है, इन्हें भी हम लोग पिंचिंग मेथड से ही बनाया जाता है। और ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपकी जो हड़प्पन सभ्यता थी वो आपकी मात्रात्मक सभ्यता थी, यानी वहां पर नारियों का जो स्टेटस था वो काफी अच्छा रहा होगा। क्योंकि कई ऐसे साइड एग्जाम्पल हमें मिलते हैं जहाँ पर आपकी जो महिलाएं हैं उनको पूजनीय रूप में दिखाया गया है और ये दिखाता है कि उनका वर्चस्व उस समय काफी अच्छा रहा होगा। तो ये हम लोगों ने टेराकोटा के बारे में बात की। अब हम लोग बात करते हैं पॉटरी की, यानी कि मिट्टी के पात्र की। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें दो तरह के मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के बर्तन मिलते हैं? एक तो आपके सादे बर्तन हो जाते हैं और दूसरे आपके रंगे हुए बर्तन। अभी जो रंगे हुए बर्तन थे उसमें भी बहुत तरह के कलर इस्तेमाल नहीं होते थे, बल्कि दो तरह के कलर इस्तेमाल होते थे। एक हो गया आपका लाल रंग और दूसरा हो गया आपके काले रंग। तो इसीलिए कई बार ये जो रंगे हुए जो बर्तन होते थे इन्हें हम लोग लाल एवं काले रंग के मिट्टी के बर्तन भी कहते हैं। और इसे क्या बेसिकली इसमें होता था कि आपके जो लाल रंग का इस्तेमाल पृष्ठभूमि को रंगने के लिए, पूरी तरह से अगर बर्तन को रंगना है तो उसको रंगने के लिए हम लोग लाल रंग का इस्तेमाल करते थे। और उसके ऊपर फिर कुछ डिजाइन अगर हमें बनाना होता था तो उस डिजाइन को बनाने के लिए वो चमकदार काले रंग का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो है वो आपका लाल रंग से रंगा हुआ है और उसके ऊपर चीजों को बनाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए हम लोगों ने ब्लैक की, मतलब उन लोगों ने ब्लैक जो है अच्छे चमकदार काले रंग का इस्तेमाल किया है। जो सामान्यतः मिट्टी के पात्र चाक जो होते हैं वो आपके चाक के द्वारा निर्मित होते हैं। ये सारी जो आप पॉटरीज देख रहे हैं इन पॉटरी के निर्माण के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो व्हील का इस्तेमाल किया जाता है, अभी भी जो पॉटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन वो काफी कम देखने को मिलते हैं। ये जो बर्तन होते थे उसमें भी अलग अलग तरह के पैटर्न पे वो आधारित होते थे। कुछ आपके पेड़ पे के थीम पे होते, कुछ पक्षी के थीम पे, कुछ में जानवरों की आकृतियां होती हैं, तो कुछ में सिंपली ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते थे। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग थीम्स थे जिसपे की पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। हम लोगों ने बात की रेड एंड ब्लैक पॉटरी की, यानी कि लाल एवं काले मिट्टी के बर्तनों की। और अब हम लोग बात करेंगे किसकी, तो सादे रंग की, सादे पात्रों के बारे में बात करेंगे। और ये जो सादे पात्र होते थे या फिर सिंपल पॉटरी होती थी, इसका इस्तेमाल घरेलू उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता था मुख्य रूप से। और घरेलू उद्देश्य का इस्तेमाल यानी कि उसका भंडारण करने के लिए किसी चीज का हम लोग इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा आपके लघु पात्र भी बनाए जाते थे जिसका इस्तेमाल सजावट के लिए किया जाता था। फिर आपके कुछ छिद्रित मिट्टी के पात्र भी बने होते थे जिसमें कि आपके साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छेद होता था, तो कुछ आपके बैकग्राउंड में के नीचे छेद होता था। और ये जो बेसिकली छेद किए हुए गए जो आपके मिट्टी के पात्र थे, इसका इस्तेमाल शराब को छानने के लिए किया जाता था। तो आपको समझ में आ गया कि तीन तरह के पात्र का हम लोग इस्तेमाल करते थे, एक तो घरेलू उद्देश्यों के लिए भंडारण करने के लिए, एक सजावटी तौर पर करते थे, और तीसरा आपको शराब को छानने के लिए इस तरह के छिद्रित मिट्टी के पात्र का हम लोग निर्माण करते थे। ये कुछ आपके पात्र के उदाहरण है जिसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है। तो हम लोगों ने मिट्टी के बर्तनों के बारे में बात की। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्नामेंट्स की, यानी कि जेवरों की, गहनों की हम लोग बात करते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो अपने आप को अच्छा दिखाने में बहुत ध्यान रखते थे और वो बहुत तरह के गहनों का इस्तेमाल करते थे। अब ये गहने किससे बने होते थे, तो ये गहने जो है वो आपके कीमती धातुओं एवं रत्नों से बने होते थे। तो कई बार आपके हड्डियों से बने होते थे, कई बार पकी हुई मिट्टियों से बने होते थे, यानी बहुत अलग अलग तरह की चीजों का ये इस्तेमाल करते थे गहनों के निर्माण के लिए। ठीक है, और किस तरह के गहने बनाते थे, तो जैसे आपका हार हो गया, पट्टिका हो गई, बाजू बंद, फिर उंगली के छल्ले, पुरुषों और महिलाओं के द्वारा, दोनों के द्वारा ही इन गहनों को धारण किया जाता था।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो गहने थे वो आपके महिलाओं और पुरुष दोनों के द्वारा ही धारण किए जाते थे। और ये गहने अलग अलग तरह की चीजों से बने हो सकते थे, कीमती धातुओं से लेकर के सिंपली हड्डी और पकी हुई मिट्टी से। लेकिन कुछ ऐसे गहने होते थे जैसे आपके कमरबंद हो गया, झुमके हो गए, पायल हो गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ महिलाएं पहनती थी। यूं तो गहने पुरुष और महिला दोनों पहनते थे, लेकिन कुछ जो गहने थे वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही पहने जाते थे। और गहनों के उदाहरण कुछ इस प्रकार के यहाँ पर दिए गए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि बीड्स की। तो आपके जो बीड्स होते थे ना मन के, वो भी काफी ज्यादा गहनों के रूप में देखने को मिलते थे। और ये जो मन के थे किससे बने होते थे, तो माणिक्य, बिल्लौर, कार्टेज और सालफिटी जैसे जो पदार्थ होते थे, जो आपके पत्थर होते थे, उनसे इन मनकों का निर्माण किया जाता था। और बहुत अलग अलग तरह के मन के हमें पाए मिले हैं, कहाँ पर, तो लोथल में और चुनूदारों में पाए गए हैं, ठीक है। और कपड़े बनाने के लिए वो लोग किसका इस्तेमाल करते थे, तो कपास तथा ऊन का इस्तेमाल करते थे। उस समय के जो लोग हैं उन्हें सिर्फ कपास और ऊन के बारे में ही पता था, उन्हें सिल्क के बारे में, रेशम के बारे में कोई आइडिया नहीं था। और जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, जो कि हड़प्पन सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, ऐसा माना जाता है, हमें ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि वो लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों से कपास को अपने यहाँ इम्पोर्ट करते थे, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट जो स्कल्पचर मूर्तियां हमें मिली हैं, प्राप्त हुई हैं हड़प्पा सभ्यता से, उसमें क्या शामिल है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपके दाढ़ी वाले पुजारी हैं, फिर आपका लाल बलुई पत्थर से निर्मित किया गया ये मेल टोर्सो है, ये सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं। तो ये इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्कल्पचर और इसके आर्किटेक्चर के बारे में। हड़प्पन आर्ट के बाद अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न आर्ट। तो मौर्यन कला और संस्कृति के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम लोग इसके बारे में आगे बात करें, ये जानना जरूरी है कि मौर्य कला का हम लोग किस प्रकार वर्गीकरण किए हैं। तो हम लोग मौर्य कला को दो तरीके से वर्गीकृत किया गया, एक तो हो गया आपका राजकीय कला और दूसरा हो गया आपका लोक कला। तो राजकीय कला राजकीय कला जो है वो ऐसी कला है जैसे कि जो आपके राजा महाराजा जो है वो जिसको संरक्षण प्रदान करते थे या वो जो बनवाते थे उसे हम लोग राजकीय कला के तहत मानते थे। और राजा महाराजा जब भी कुछ बनाएंगे तो कुछ बड़ा सा बनाएंगे, कुछ प्रोमिनेंट सा बनाएंगे, जैसे महल हो गया, स्तंभ हो गया, स्तूपाज हो गए, ये सारे के सारे आपके राजकीय कला के अंतर्गत आते हैं। वही लोक कला कुछ ऐसी कलाएं थी जो कि लोग अपने इनिशिएटिव खुद से शुरुआत करके एक स्मॉल स्केल पे बनाते थे, कहीं का दीवान कुछ बना दिया, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो जैसे आपकी गुफाएं हो गई, मिट्टी के पात्र हो गए, मूर्तियां हो गई, ये सारे के सारे आपकी लोक कला के अंतर्गत आते हैं। हम लोग इन तीनों के छयों के बारे में हम लोग बात करेंगे और हम लोग शुरुआत करेंगे राजकीय कला से। तो राजकीय कला जो है ये मौर्य शासकों ने मतलब राजनीति के साथ साथ धार्मिक कारणों से के लिए भी कई तरह के वास्तुशिल्प जो है उनको अधिकृत किया। मतलब जो आपके मौर्य शासक थे उन्होंने बहुत तरह के राजनीतिक और धार्मिक कारणों को ध्यान में रखते हुए बहुत तरह के आपके वास्तुशिल्प के कार्य जो थे उनको स्टार्ट किया। और उन्हीं सारे कार्यों को मैंने आपको पहले ही बताया कि वो राजकीय कला के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस राजकीय कला में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महलों की। तो ये आप पहले जानिए कि जो मौर्य साम्राज्य है वो भारत के की सत्ता पर काबिज होने वाला सबसे पहला शक्तिशाली साम्राज्य था। और जो मौर्यास की मतलब जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो वो पाटलिपुत्रा थी। और पाटलिपुत्रा में जो कुम्हरार था वो ऐसा जगह था जहां पर महलों का निर्माण मौर्य साम्राज्य ने करवाया था। और कुम्हरार में क्यों महलों का निर्माण कराया था, ताकि जो मौर्य साम्राज्य की जो भव्यता है वो लोगों को देखने को मिले, कि आखिर उन्हें एक ये बताने के लिए कि मौर्य साम्राज्य अपने आप में काफी शक्तिशाली है, काफी भव्य है, इसके लिए इन महलों का निर्माण किया गया था। कहाँ पर, तो कुम्हरार में। चंद्रगुप्त का जो महल था उसे मागस्तनी ने कहा था कि मानव की महानतम रचनाओं में से एक था। और ये जो महल था ये कहां से प्रेरित था, कि ईरान के जो पर्सेपेलिस के अखमीनी जो महल थे वहां से ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल है वो काफी ज्यादा प्रेरित था, ठीक है। अब किस चीज का इस्तेमाल हम लोग बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर, यानी कि निर्माण की मुख्य सामग्री के तौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता था, तो लकड़ी का मुख्य तौर पर इस्तेमाल किया जाता था निर्माण सामग्री के रूप में।
कुमरार में स्थित जो अशोक के महल थे वहां पर एक ऊंचा केंद्रीय स्तंभ भी था और इसके साथ साथ आपके 3 मंजिला लकड़ी से निर्मित भवन भी था। और जो इस महल तो न सिर्फ बहुत भव्य तरीके से निर्मित था बल्कि महल के जो दीवार थे वहां पर मूर्तियां और नक्काशियों से भी इसको सजाया गया था। अभी जो उसके अवशेष कुछ देखने को मिलते हैं कुमरार में तो वो यहाँ पर इस फिगर के जरिए आप देख सकते हैं। ये चीजें बहुत भव्य हुआ करती थी उस जमाने में। तो ये हम लोगों ने बात की महलों की। महल के बाद अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करेंगे स्तंभ की। तो अशोक के शासन काल में बहुत तरह के स्तंभों का निर्माण हुआ। न सिर्फ स्तंभों का निर्माण हुआ बल्कि अलग अलग स्तंभों पर शिलालेखों का भी निर्माण किया गया। और इन शिलालेखों का क्यों निर्माण किया गया, क्यों उस पर चीजें लिखी गई, ताकि ये राज्य के प्रतीक के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता था। और अगर मान लीजिए अशोक ने कोई जंग जीती या किसी युद्ध में विजय प्राप्त हुई तो उस युद्ध के जो जीत का सम्मान करने के लिए भी उस शिलालेखों का निर्माण किया जाता था। बहुत तरह के शाही जो उपदेश थे उसको प्रचारित करने के लिए, ताकि वो लोगों तक पहुंच सके, आने वाले कई जनरेशन तक उसके बारे में लोग जान सके, इसके लिए भी उन शिलालेखों को लिखा का निर्माण किया जाता था। बहुत स्तंभ का जो बेहतरीन उदाहरण है वो आपका सारनाथ का स्तंभ है, फिर आपका वाराणसी में भी जो स्तंभ मौजूद है, ये सारे के सारे स्तंभ के बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये आपका सारनाथ स्तंभ है, फिर यहाँ पे वाराणसी का स्तंभ, ये चीजें आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। स्तंभ की अगर हम लोग ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई जो होती है ये आपकी करीबन 40 फीट की होती है। और इसे किससे बनाया जाता है, तो चुनार बलुई जो पत्थर होता है इससे मिलकर ये स्तंभ बने होते हैं और उनके 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो 4 भाग बेसिकली होते हैं। तो क्या क्या होता है, तो सबसे नीचे में तल में आपका एक लंबा सा लाठ होता है, और इसे ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पत्थर के टुकड़े से मिलकर के बना होता है। ये बहुत तरह के पत्थर नहीं होते कि छोटे छोटे पत्थर को जोड़ करके बना दिया, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पत्थर के टुकड़े से मिलकर के तल बना होता है। ठीक है, फिर तल के ऊपर का जो शीर्ष होता है उसके ऊपर क्या होता है, तो वो कमल की आकृति का होता है, या तो कमल की आकृति का हो सकता है या फिर वो घंटे के आकार का होता है। आगे मैं आपको फिगर दिखाऊंगी तो आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। फिर आपका ये जो मतलब शीर्ष होता था इसके ऊपर फिर आपका एक घंटा का शीर्ष तथा स्तंभों की जो चमकीली पॉलिश थे भी, मतलब ईरानी सजावट बेसिकली इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब बेल शेप का होता है बेस, इसके ठीक ऊपर एक आपका अबेकस होता है। ठीक है, एक चौकी सी होती है और ये जो चौकी है या तो ये आपकी गोलाकार हो सकती है या फिर ये आयातकार होती है। और इस चौकी के ऊपर आपका क्या होता है, तो एक पशु की मूर्ति रखी जाती है। ये पशु आपके लायन भी हो सकते हैं, यानी शेर भी हो सकते हैं, या फिर आपका बैल हो सकता है, आपका बुल हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, और यही एक 4 बेसिक कॉम्पोनेंट होते हैं किसके, किसी भी एक पिलर के। आप फिगर देख करके और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो पिलर शाफ्ट है, ठीक है, ये आपके एक ही तरह के पत्थर से होते हैं और ये सबसे पहला कॉम्पोनेंट है जो यहाँ पे छोटा से दिखाया गया है, लेकिन ये बड़ा सा होता है। ठीक है, और इसी पिलर शाफ्ट को हम लोग कहते हैं, ये एक ही तरह के पत्थर से बने होते हैं। इसके ऊपर ये आप जो देख रहे हैं आपके इन्वर्टेड लोटस, यानी उल्टी जो आपकी कमल के फूल है इसकी तरह की जो आकृति होती है इसे हम लोग बेस कहते हैं। ये कई बार इस शेप का होता है, बेल शेप का भी होता है। फिर ये जो आप देख रहे हैं ना चौकी, इसे अबेकस कहते हैं। और ये आपकी सर्कुलर भी हो सकती है, यानी गोलाकार भी हो सकती है, या फिर इस तरह के आयातकार होती है। और इसके ऊपर एक आपका जानवर होता है। ठीक है, ये आपका शेर है यहाँ पर, तो इसको हम लोग लायन कैपिटल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अगर बुल होता तो उसको हम लोग बुल कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो ये आपके 4 कॉम्पोनेंट है, एक पिलर शाफ्ट, बेस हो गया, फिर अबेकस और एनिमल, इसी तरह की रचना होती है एक पिलर की। अब पिलर्स जो होते हैं वो आपके अशोक के एक स्तंभ हो गए और एक अखमीनी स्तंभ। ये अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि आखिर इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है। तो बेसिक अंतर कुछ इस प्रकार का है कि जो अशोक के स्तंभ थे वो आपके एक ही तरह के पत्थर से मिलकर के बने होते थे, वो एक ही तरह के पत्थर के टुकड़ों से बने होते, और मुख्यतः जो पत्थर जिसका इस्तेमाल किया जाता था इसको बनाने के लिए वो आपके क्या होते थे, तो वो चुनार बलुई पत्थर होते थे। जबकि अखमीनी स्तंभ जो है वो एक सिंगल पत्थर का नहीं बना होता था, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर को मिला करके उसे जोड़ करके स्तंभ बनाया जाता था। तो ये एक बेसिक डिफरेंस कि ये एक पत्थर से बना होता है, ये बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों से और उनको सीमेंट की मदद से जोड़ करके तैयार किया जाता था। अशोक स्तंभ जो होते थे, यानी अशोक के द्वारा जो स्तंभ का निर्माण किया गया था, वो आपके स्वतंत्र रूप से खड़े होते थे, यानी सिर्फ और सिर्फ एक पिलर होता था, वो एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, वो किसी बिल्डिंग का हिस्सा नहीं होता था। जबकि अखमीनी स्तंभ, वो ज्यादातर जो आपके स्तंभ होते थे वो किसी ना किसी बिल्डिंग के को सपोर्ट करते थे, किसी राज्य की इमारतों से वह जुड़े होते थे।
आपके अशोक स्तंभ जो है वो यूजुअली काफी लंबे होते हैं, जबकि अक्मेनी स्तंभ जो है वो अशोक स्तंभ के मुकाबले काफी छोटे होते हैं। तो ये कुछ बेसिक अंतर है किसके किसके बीच में, तो अशोक स्तंभ और अक्मेनी स्तंभों के बीच में। कुछ और बातें जो आपको ध्यान देनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तो वो ये कि जो सारनाथ का स्तंभ है, सारनाथ का जो पिलर है, उसकी चौकी और उसका जो पशु वाला हिस्सा है यानी गोल तरह का आपने देखा है और उसके ऊपर जो लायन है, उसे हम लोगों ने भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में उसे अडॉप्ट किया है, वो हमारा नेशनल एम्बलम है। सारनाथ स्तंभ पे हम लोग जानते हैं कि चार पशु दिखाए गए हैं, एक तो आपका दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक आपका बैल है, एक हाथी और एक शेर है। और इस सारनाथ स्तंभ का निर्माण क्यों किया गया था, क्योंकि जो सबसे पहला धर्मोपदेश था जिसे हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन कहते थे, उसकी याद में इस सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था। और ये जो अलग अलग दौड़ता हुआ घोड़ा या बैल था, तो पहले के जमाने में बुद्धा को उनके मतलब ह्यूमन फिगर के रूप में नहीं दिखाया जाता था, बल्कि उन्हें दिखाया जाता था अलग अलग लाइक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कह सकते हैं, अलग अलग जानवरों के जरिए उनको दिखाने की कोशिश की जाती थी। और यही जो आपका दौड़ता हुआ घोड़ा बैल, ये सारे के सारे बुद्धा के अलग अलग फेजेस को दिखाते हैं। तो ये एक फैक्ट था जो आपको जानना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे स्तूपाज की। तो आप पहले ये जानें कि बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु होने के बाद 9 स्तूपों का निर्माण किया गया था। और ये 9 स्तूप कहाँ है, तो ये 9 स्तूप है राजगीर में है एक, एक वैशाली में है, एक कपिल वस्तु में है, एक अल्ला कप्पा में है, रामग्राम, गेतापीदा, पावा, कुशीनगर और पिपलीवन। ये 9 जगह है जहां पर बुद्ध के मरने के बाद इन 9 स्तूपों का बेसिकली निर्माण किया गया। ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि हाँ 9 स्तूपों का निर्माण हुआ। स्तूप होते क्या है, तो स्तूप जो होते हैं वो आपके समाधियों के किले होते हैं, जिनमें जो मृतक होते हैं उनकी या तो अस्थियां या उनके अवशेष रखे जाते हैं। यानी कोई भी जैसे होली मैन, जैसे बुद्ध, जिनका की मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी जो अस्थियां हैं उनको रख करके और इस तरह की चीजों का जो निर्माण किया जाता है उसको हम लोग स्तूप कहते हैं। या तो उनकी अस्थियां रखी जाती हैं, या उनके जो अवशेष बच जाते हैं, या फिर उनके जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो उनकी पर्सनल बिलोंगिंग होती थी उसको रख करके हम लोग उसका निर्माण करते हैं और वो जगह क्या कहलाती है, स्तूप कहलाती है। स्तूप की एक विशेषता है कि इसका जो अंतर भाग होता है वो आपकी अधजली ईंटों से बनाया जाता है। यानी ये जो ईंट होते हैं वो आपके अनबर्न होते हैं, इन्हें पकाया नहीं जाता, अंदर वाले स्तूपा के अंदर के जो होती है वो, जबकि आपका जो बाहर वाला लेयर होता है वो आपका मतलब अच्छे वाले ईंटों से बना होता है और ये आपकी एक मोटी परत से वो ढका रहा है, वो प्लास्टर की एक मोटी परत से फिर से ढका जाता है। अंदर वाला वो आपका अनबर्न होता है, वो जला हुआ नहीं होता, जबकि बाहर वाला जो ब्रिक होता है वो आपका जला हुआ होता है और उसके ऊपर लाइम की एक कोटिंग की रहती है। तो स्तूप की ये जो परंपरा है ये बुद्धा के आने के बाद से नहीं शुरू हुई, बल्कि एक बहुत पुराने समय की परंपरा है, ये एक वैदिक परंपरा है। लेकिन स्तूपों का जो निर्माण है वो बौद्ध धर्म के बाद लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा प्रचलित किया गया। यानी मौजूद वो वैदिक परंपरा ही है, लेकिन बौद्ध धर्म के आने के बाद ये जो स्तूप जो है वो काफी ज्यादा प्रचलित हो गए। और बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनाए गए, मैंने आपको बता ही दिया, इसमें कि 8 स्तूप ऐसे थे जहां पर उनके अवशेषों को रखा गया था, जबकि जो 9वां स्तूप जो था, जिस पात्र में उनके अवशेषों को रखा गया वो पात्र भी अब हमारे लिए पवित्र हो गया, और इसीलिए 1 स्तूप जो है वो उस पात्र के ऊपर रख करके बनाया गया। ठीक है, अब स्तूप के हिस्से होते हैं मेढ़ी और तोड़न। तो इन मेढ़ी और तोड़न में लकड़ी की मूर्तियों के जरिए इन्हें सजाया जाता था। ठीक है, और जो श्रद्धालु थे वो प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर चलते थे, उसका मतलब राउंड लगाते थे। ये तो मैंने एक बेसिक आइडिया आपको बता दिया स्तूपा के बारे में। वो स्तूपा देखने में होते वास्तविक कैसे थे, उनके अलग अलग कॉम्पोनेंट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका स्तूपा जो है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो स्तूपा का ये जो गेटवे होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग तोड़न कहते हैं। ये आपका गेटवे जो हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका तोड़न हो गया। और ये जो चीजें हो गई, ये जो आपकी बाउंड्रीज देखने को मिल रही हैं अलग अलग, इसी बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वेदिका। फिर ये जो अंदर में आपका पैसेज होता है ना, एक गोल सा, इसे हम लोग कहते हैं मेढ़ी। ये अंडा जैसा आकार का आप याद भी रख सकते हैं कि ये जो डोम जैसा स्ट्रक्चर है इसे हम लोग अंडा कहते हैं, और ये जो छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये चारों तरफ, इसे हम लोग कहते हैं हर्मिका। यही वो जगह होता है जहां पर वो जो अवशेष है उसको रखा जाता है, इसे होली मैन का प्लेस के तौर पर भी हम लोग कहते हैं। और यहाँ पर आपको जो छतरी जैसा आकार देखने को मिल रहा है इसे हम लोग छतरी कहते हैं। ये आपका ऊपर वाला जो है वो बुद्ध को दर्शाता है, नीचे वाला धम्मा को दर्शाता है,
और जो आपका तीसरा होता है वो आपका संघ को दर्शाता है। बेसिकली बुद्ध के जो तीन रत्न होते हैं उसको ये दर्शाने की कोशिश करता है। जो आपके डिवोटी है यही आपका प्रदक्षिणा प्रथाज होते हैं, जिसके चारों तरफ आपके जो लोग होते हैं वो आपके घूम करके प्रदक्षिणा करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, और ऊपर तक कोई नहीं जा पाता। इस ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी स्तूपा का। तो स्तूपा के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, और अब हम लोग बात करेंगे पॉपुलर आर्ट की। हम लोगों ने राजकीय आर्ट देखा, स्तूपा के बारे में, महलों के बारे में बात की, हम लोगों ने पिलर्स के बारे में बात की, अब हम लोग बात करेंगे लोकप्रिय कला की। और मैंने बताया कि लोकप्रिय कला ये जो ऐसी कलाएं हैं जो कि एक व्यक्ति के द्वारा बनाई जाती हैं या बहुत बड़े स्केल पे राजा महाराजा से बहुत बृहद नहीं होती, बल्कि व्यक्तिगत प्रयासों के कारण इस कला की अभिव्यक्ति हो पाती है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुफा वास्तुकला की। तो इस काल में जो चट्टान होते हैं उसी चट्टानों को काटकर जो है वो गुफा बनाई जाती है, इसलिए हम लोग रॉक कट केव के नाम से भी जानते हैं। और मौर्य काल में इन गुफाओं का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता था, तो इनका इस्तेमाल किया जाता था विहारों के रूप में। और ये विहार वैसे जगह होते हैं जहां पर जैन और बौद्ध के जो महंत है यानी कि वो निवास करते थे, ठीक है। तो ये जो रॉक कट केव्स है इसका इस्तेमाल विहार के रूप में किया जाता था, यानी कि जैन और बुद्ध महंतों के द्वारा निवास करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये गुफा जो है इनकी दीवारें काफी चमकदार होती थी और इनके जो प्रवेश द्वार होते थे वो काफी ज्यादा सुसज्जित होते थे। आप आगे मैं आपको फिगर दिखाऊंगी और आपको आइडिया होगा कि इनके दीवार काफी ज्यादा सुंदर होते थे। और कुछ बहुत ही कॉमन उदाहरण आपके रॉक कट केव्स के कहां देखने को मिलते हैं, तो बराबर और जो नागार्जुन की गुफाएं हैं वहां पर देखने को मिलती है। इन्हें बनाया गया था अशोक के जो पौत्र थे दशरथ, उनके काल में से सारे जो केव्स हैं उनका निर्माण किया गया था। आप फिगर देख करके आपको आइडिया लग सकता है कि ये जो है ये आपके बराबर जो गुफा है उसका एंट्रेंस डोर है। आप देख सकते हैं लोमस ऋषि का बेसिकली है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। यहाँ पर बराबर केव्स में जो आपकी क्रेविंग की गई है पत्थर को काट करके उसे दिखाया गया है। बहुत सारी शिलालेख आपको देखने को मिलेंगे नागार्जुनी केव्स में। तो इस तरह की केव्स थे। अगर हम लोग बात करें मूर्तियों की, तो मूर्तियां जो है उनका इस्तेमाल बेसिकली तोड़न और जो मेडी जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया वहां पर धार्मिक अभिव्यक्तियों के रूप में स्तूपों की सजावट के लिए मूर्तियों का इस्तेमाल किया जाता था। और जो यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्तियां थी वो मौर्य काल में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। और सबसे खास बात इन मूर्तियों की ये थी कि ये तीनों धर्म यानी कि जैन हो गया, बुद्ध हो गया, हिंदू धर्म, इन तीनों ही धर्मों के लोगों की उपासना का विषय थी। तीनों ही लोग यक्ष और यक्षिणी को काफी मान देते थे, ठीक है। तो ये मूर्तियों के बाद अब हम लोग बात करते हैं मिट्टी के पात्रों की। और जो मिट्टी का पात्र का यानी पॉटरी अपने क्लाइमेक्स अपने सर्वोच्च उच्चतम कोटि पे मौर्य काल में ही पहुंचा। और इसका संबंध जो मिट्टी के पात्र बनाए जाते थे इसे हम लोग क्या कहते थे, तो उत्तरी काले चमकदार पात्र कहते थे, कुछ इस प्रकार का। आप देख सकते हैं कि कितना चमकदार है और काले रंग का है, तो इसे हम लोग नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते थे, उत्तरी काले चमकदार पात्र। और इसमें जो काले रंग का इस्तेमाल किया जाता था वो बहुत ही ज्यादा अत्यधिक शोभायमान काफी ज्यादा खूबसूरत होता था, ठीक है। और पॉटरी अपने सर्वोत्तम कोटि में सबसे उच्चतम कोटि के अगर हम लोग कहें पॉट का निर्माण मिट्टी के पात्रों का निर्माण जो है वो इसी पीरियड में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने बात की हड़प्पन आर्ट एंड कल्चर की, हार्ट एंड आर्किटेक्चर की, और हम लोगों ने मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। डे टू में फिर हम लोग एंशिएंट आर्ट को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।